नोएडा अथॉरिटी में लगे ये गैर कानूनी होर्डिंग्स दे रहे हैं बड़े हादसों को दावत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत लगे उन तमाम बड़े होर्डिंग्स की जो काफी जर्जर हालत में। न्यूज वन इंडिया को लगातार इनकी शिकायतें आ रही थी। आज जब न्यूज वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर इसकी तहकीकात करने पहुंची तो ऐसे हजारों होर्डिंग्स की बाढ़ लगी दिखी। चाहे हम बात करें नोएडा सेक्टर 122 की या सेक्टर 10 की या फिर बात करें कालिंदी कुंज की, सवाल यह उठता है कि आखिर इन होर्डिंग्स का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों नोएडा अथॉरिटी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई है? आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में या फिर ये होर्डिंग्स प्रशासन की मिली भगत से लगाए गए हैं? कौन अधिकारी है जो ये सब कुछ खुलेआम करवा रहा है? आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? आज न्यूज वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि ऐसे ही होर्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं जो कि मात्र तेज हवाओं के झोंके से हिलते नजर आ रहे थे। अगर तेज हवा और बारिश आ जाए तो बैनर जो पोल पर अभी तक टिके हुए हैं वो किसी के भी सर पर आकर गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को ये जानकारी नहीं है? वो अक्सर इन रास्तों से होकर गुजरती हैं। क्या उनकी नजरे करम इन हवा में झूलती मौतों पर नहीं पड़ी, जबकि उनकी अथॉरिटी के अंतर्गत ये तमाम अवैध होर्डिंग्स बैनर लगाए गए हैं? न्यूज वन इंडिया ने साल भर पहले भी होर्डिंग्स के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था। चलती हूँ अपने कैमरा पर्सन अपने सहयोगी सरताज से और इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी जिसका असर भी बखूबी देखने को मिला था, लेकिन कोरोना काल और दूसरी खबरों की व्यवस्था के चलते हमारा ध्यान इस मुद्दे से क्या हटा। एक बार फिर होर्डिंग्स माफिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। न्यूज वन इंडिया नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और खास तौर से अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी से ये अपील करता है कि जनहित में इन गैर कानूनी होर्डिंग्स को फौरन हटाया जाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।